आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ पेज रोल टिक्की। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चटनी बना लेते हैं। पहले हरा धनिया और पुदीना ले लिया है, मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इमली का पानी ले लिया है, ये भी डाल देते हैं। और एक टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करके पीस लेते हैं। चटनी तैयार है। डो बना लेते हैं। गेहूँ का आटा ले लिया है, थोड़ी सी सूजी डाल लेते हैं और 3 उबले हुए और ठंडे आलू ले लिए हैं। और इनको आटे में हम कद्दूकस करके मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए डो बन के तैयार है। इसे हम रख देते हैं, फिलिंग कर लेते हैं तैयार। थोड़ा सा प्याज कटा हुआ डाल लेते हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ गाजर पका लेते हैं, और थोड़े से गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, सफ़ेद नमक डाल देते हैं। और उसके बाद उबली हुई हरी मटर और थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। तो ये देखिए आपकी फिलिंग तैयार है। ऑयल डाल लेते हैं डो पे और चिकना करके एक बड़ी सी लोई बेल लेते हैं। और इस लोई को हम बेल के तैयार करेंगे सूखा आटा डाल के। और आप इसको बस यूं ही अपने मन के अनुसार कैसे भी बेल सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। मैंने इसको चोकर बेल लिया है। और बस उसके बाद जो फिलिंग ली है उसकी एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा लेंगे। और बस यूं ही जैसे ही आपका करने का मन करे वैसे करते जाओ। और रोल बना लेते हैं इसको। और रोल ये देखिए इस तरीके से एकदम टाइट रोल बना लेना है। सूखा आटा उसके ऊपर डाल के इसके आपको मोटे मोटे पीस कट करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बीच में से काट दिया है। और अब हम इसके मोटे टुकड़े करेंगे। तो ये देखिए इसको करने के बाद हम इसको कुछ तिरछा इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये हमारी बेस रोल टिक्की तैयार है। तो यहाँ पे देखिए सारे पीस तैयार हैं। तो चलिए इनको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर आप इनको बार बार पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। बस यूँ ही जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो मेरी तरह आप भी अपने घर पे बेस रोल टिक्की बनाइए। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए। हरे धनिया की चटनी के साथ आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो फिर आज ही ट्राई करिएगा।